नमस्कार फ्रेंड, मैं आपका अपना राहुल आरके लॉटिशन में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों आज मैं आपके लिए एक नई वीडियो लेके आया हूं। आज की वीडियो जो है आपके लिए बहुत ही खास और स्पेशल होने वाली है। दोस्तों आज की वीडियो में आपको बताऊंगा कि अगर आपका पार्टनर जो है आपसे नाराज है, आपसे गुस्सा है, आपसे बात नहीं कर रहा है तो आपको क्या करना चाहिए। तो दोस्तों आज की वीडियो में आपको कुछ टिप्स बताऊंगा, तो वीडियो को बिना स्किप किए वीडियो को एंड तक देखिएगा। तो चलिए आज की वीडियो जो है वो स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, टिप नंबर 1, फाइंड आउट द रीजन। दोस्तों सबसे पहले आपको पता करना है कि आपका पार्टनर जो है आपसे गुस्सा क्यों है, आपसे नाराज क्यों है, आपको उस बात को पता करना है। हो सकता है आपकी किसी बातों का उसको बुरा लगा हो तो उसको आपको पता करना है, या फिर आप दोनों के बीच लड़ाई हुआ है, मिसअंडरस्टैंडिंग है, उसको आपको क्लियर करना है। तो आपको पहले आपको रीजन पता करना है कि वो आखिर गुस्सा क्यों है। तो दोस्तों टिप नंबर 2, लीव समटाइम्स। दोस्तों आपको अपने पार्टनर को कुछ समय के लिए आपको अकेले छोड़ना है। तो इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। सपोज आपका जो है अपने पार्टनर से रिसेंटली में लड़ाई हुआ है, तो आपको क्या करना है, आपको उसको कुछ देर के लिए अकेले छोड़ देना है। इससे क्या होगा, वो अभी बहुत ज़्यादा गुस्से में है, तो अगर आप उसको और कुछ बोलोगे तो वो और ज़्यादा गुस्सा हो जाएगी। तो आपको उसको कुछ देर के लिए अकेले छोड़ देना है। देन दोस्तों उसको कुछ समय बाद जो है आ जाके उसके लिए सॉरी बोलना है कि हाँ मेरे से गलती हो गया है, या फिर जो भी है उसके लिए आपको सॉरी बोल देना है। आपको रिसेंटली कुछ नहीं करना है, क्योंकि रिसेंटली में इंसान जो है बहुत ज़्यादा गुस्से में रहता है, तो बात बनने के बजाय बिगड़ जाता है। तो वहाँ पे आपको कुछ नहीं बोलना है, आपको कुछ टाइम बाद उसको जाके सॉरी बोलना है। सो गाइस, टिप नंबर 3, से सॉरी। दोस्तों ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये जो टिप्स है 3rd नंबर का, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें आपको अपने पार्टनर को सॉरी बोलना है। आप कुछ गलती किए होंगे या फिर लड़ाई झगड़ा कुछ भी हुआ होगा, उसके लिए आपको सॉरी बोलना है, मिसअंडरस्टैंडिंग को क्लियर करना है। तो सॉरी बोलने का तरीका होता है, देखिए रिसेंटली अभी आपका लड़ाई हुआ है तो आपको तुरंत जाके सॉरी नहीं बोलना है, आपको कुछ टाइम रुकना है, कुछ टाइम बाद उसको सॉरी बोलना है। और हाँ, अगर आप सॉरी बोलने जा रहे हो तो उसको कॉल में या मैसेज में बार बार जो है मैसेज भेज के सॉरी मत बोलो, इससे आपका इमोशन जो है वो दिखाई नहीं देगा। तो आपको क्या करना है, आपको उसको जाना है और फेस टू फेस आपको सॉरी बोलना है। हो सके तो उसका फेवरेट चॉकलेट या फिर आइसक्रीम वगैरह भी उसके लिए ले जा सकते हैं। तो इस तरीके से आप जाके सॉरी बोलते हैं प्यार से, एकदम ज़्यादा ऊंची आवाज़ में बात नहीं करके अगर प्यार से आप सॉरी बोलते हैं तो उसका जो गुस्सा है वो शांत हो जाएगा और वो आपको माफ़ कर देगी और पहले की तरीके से बात करना स्टार्ट कर देगी। दोस्तों आज की वीडियो आपको अच्छी और यूजफुल लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और अगर आपको किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं या फिर इंस्टा के थ्रू भी बता सकते हैं। मैंने अपना इंस्टा आईडी जो है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ जाके मुझे फॉलो कर सकते हैं। और जो भी डाउट है, जो भी प्रॉब्लम है, उसको इंस्टा के थ्रू पूछ सकते हैं या फिर कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नई वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।